लखीमपुर खीरी की तराई से टनकपुर होते हुए जो एक बड़ी खूबसूरत जगह है, जो हिंदुओं का बहुत बेहतरीन धार्मिक डेस्टिनेशन है पूर्णागिर, उस रास्ते की तरफ जब आप सफर करेंगे तो ऑल वेदर में जो सड़कें बन रही हैं उत्तराखंड की, जो टूटी हुई हैं, रास्ते खतरनाक हैं, और उन रास्तों को पार करते हुए जब आप चंपावत की तरफ आएंगे तो चंपावत से कुछ दूरी पर एक जगह पड़ती है लोहाघाट, और उस लोहाघाट में बाणासुर का किला है, जिस किले को भारत सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के तहत, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत उसे संरक्षित किया गया है। और उस लोहाघाट से एक सीधी चढ़ाई और बड़ी ही खतरनाक चढ़ाई, कहते हैं जिसमें हॉन्टेड प्लेस पे इस समय खड़ा हुआ हूँ, उसके रास्ते भी हॉन्टेड लगते हैं। रात के 2 बजे तकरीबन हम लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, और आप सभी को बता दूं कि एक सबसे खूबसूरत बात कि उस पतली सी सड़क जो पहाड़ की तरफ ऊंचाई पर सीधा चढ़ती है, उसके चारों तरफ बांज के पेड़ थे जिसपे मास ग्रास खड़ी हुई थी। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसके बावजूद भी कड़कड़ाती ठंड थी। कहते हैं कि बांस जो है वो जमीन से पानी खींचता है। उत्तराखंड की, हमारी भारत की धरती का ये स्थानीय प्रजाति है वनस्पति। यहाँ मैं चीज और देख रहा हूँ कि आप अल्मोड़ा तक चले आइए, अगर उस रास्ते से जो काठगोदाम की तरफ से आता है तो आपको देवदार के वृक्ष नहीं दिखते, उसके बाद दिखना शुरू होते हैं जागेश्वर की तरफ से। हम टनकपुर के रास्ते से चल रहे थे तो ये पवित्र वृक्ष जो है देवदारू के वो दिख रहे हैं, और आपका ये सारा एबट माउंट जो है, ये सारा एबट माउंट चारों तरफ से देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय में आप देवदार के वृक्षों में फल देख सकते हैं, उसका फीमेल और उसका मेल दोनों फल जो है वो दोनों फ्लावर्स इस समय मौजूद हैं। फर्टिलाइजेशन का दौर है, प्रकृति की एक खूबसूरत अवस्था है नए पौधों की, नई संततियों के जन्म की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो चर्च है जिसे हॉन्टेड कहा गया, जिसे भूतहा बनाया गया, दरअसल ये भूतहा है या नहीं है ये एक अलग मसला है। आदमी की कहानियों में रोमांच पैदा करने के लिए हमारी तमाम सभ्यताओं में भूतहा कहानियों की बात कही गई, अप्सराओं की कहानियों की बात कही गई, लेकिन ये खूबसूरत निशानदेही है उस बरतानिया हुकूमत की। कहते हैं कि जब नींव का पत्थर ही इतना मजबूत हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस हुकूमत की जो ताबीर होगी वो कितनी बड़ी होगी। कहते हैं कि उस दुनिया में कभी सूरज नहीं डूबता था, तो ऐसी जगहों पर जहां हमारे ही मुल्क का आदमी आके बसाहट नहीं कर सकता, ऐसी जगहों के बारे में बात नहीं कर सकता, आज से 100 साल पहले आप कल्पना करिए ना, रास्ते होंगे, ऊबड़ खाबड़ जमीनें होंगी, क्लाइमेट की स्थिति अलग होगी। ऐसे में एक एबट, मिस्टर एबट आता है और वो इस जगह को एक खूबसूरत जगह में तब्दील कर देता है। और यहाँ की तमाम कहानियां हैं, डॉक्टर डेथ की भी बात करूंगा, डॉक्टर मोरिस की, जिनकी मौत की कोठरियों की भी बात करूंगा, जो दिल को दहला देने वाली है, लोगों की रूहें कांपती हैं इन रास्तों से गुजरते हुए। आज हम अपने मित्रों के साथ सुनील शुक्ला जी हमारे अध्यापक और हमारे हरिशंकर शुक्ला जी बिजुआ ब्लॉक के, इनके साथ इन जगहों पे हूँ। और बाकायदा रात के 2 बजे हमारी आमद हुई इस जगह पर, जिस जगह को भूतहा कहा जाता है। लोग रास्तों से गुजरने से डरते हैं। यहाँ पे तकरीबन 16 कोठियां हैं अंग्रेजों की, ईसाई मिशनरीज यहाँ पे काम किया करती थी, लेकिन मौजूदा समय में सब कुछ नदारद है। सिर्फ ये जगह एक पिकनिक स्पॉट बन गई है, और सरकारों की तरफ से भी इस जगह को लेके कोई बहुत बड़ा और अच्छा काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन पहाड़ का ये खूबसूरत हिस्सा गवर्नमेंट की निगाह में होना चाहिए, विकास की जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ प्राकृतिक इस स्थल को वैसे ही हूबहू रखा जाए, लेकिन कुछ कुछ जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा कर दिया जाए और इन सारी इमारतों को संरक्षित कर दिया जाए। In 400 meters, turn left to stay on Abbott Mount Road.
Doctor of death. This house has a gate here. Look, this is ghost. ये सुनसान सा रास्ता डॉक्टर मॉरिस के घर की तरफ जाता है और आप पास में देखिए हिमालय, बर्फ से ढका हुआ हिमालय, ये खूबसूरत वादियां जो इस कैमरे में कैद नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ये रास्ता जिस पे मॉस ग्रास उगी हुई है, नम इलाका, तो डॉक्टर डेथ के घर की तरफ जा रहा है। अब ये सीधा रास्ता मुड़ रहा है डॉक्टर मॉरिस के घर की तरफ। नजारे आप देख सकते हैं, सुनसान इलाका है और यहाँ कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कल्पना करिए कि एबट माउंट के इस भयानक हिस्से में और इतनी सुनसान जगह पे, इतने बड़े इलाके में डॉक्टर मॉरिस ने ये हॉस्पिटल बनाया जो अपने आप में अद्भुत था। पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं था जो डॉक्टर मॉरिस के हॉस्पिटल का मुकाबला कर सके। बस रहस्य इस बात में है, मॉरिस का मौत और जिंदगी को तकसीम करने वाली उस रेखा और उस फलसफे की कहानी को लेकर जो उन्होंने खतरनाक प्रयोग किए, जिंदा आदमियों को न जिंदा रखा न मुर्दा रखा, उनके शरीर, उनके पेट, उनके जिगर और उनके हृदय को छुरियों से चीरा और उनको जिंदा रखा कि ताकि वो जान सकें कि शरीर के किस हिस्से में उसकी जुम्मिस मौत को आगाज देती है और किस वजह से वो आदमी जिंदा रह रहा है। ये बड़े सारे सवाल हैं, बताऊंगा।
मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो पिछला हिस्सा है डॉक्टर मौत का है, डॉक्टर डेथ के बंगले का, जिसको कहते हैं ये डॉक्टर मोरिस का हॉस्पिटल हुआ करता था कुमायूं के इस हिस्से में जो चंपावत जनपद है। कभी शायद ये हिस्सा पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता था। ये बहुत ही प्राकृतिक खूबसूरत इलाका रहा है। आप कल्पना करिए कि उस जमाने में हजारों मील इंग्लैंड से चल के आके एक अंग्रेज डॉक्टर इस बियाबान जंगल में बसता है। प्रकृति की सौंदर्यता अलग बात है, लेकिन उस डॉक्टर की निष्ठा अपनी बरतानिया हुकूमत के प्रति और इस जगह पे आके वो समाज की सेवा कर रहा है। उसने पहाड़ के तमाम लोगों को तमाम बीमारियों से निजात दिलाई। पर वो डॉक्टर आज बदनाम है यूट्यूब पर और तमाम टेलीविजन के चैनल पर। उसे डॉक्टर डेथ और डॉक्टर मौत के डॉक्टर का नाम दिया गया है। लोग दिलचस्पियां लेते हैं, चस्के लेके उस कहानियों को सुनते हैं। पर हकीकत ये है कि अभी इस जगह तमाम कुमायूं की हमारी गायें चल रही हैं, कुछ बच्चे कुछ छोटे बच्चों के साथ मोबाइल चला रहे हैं। ये हालांकि अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ ना तो डॉक्टर मोरिस रात को घोड़ों पे बैठ के दौड़ता है, ना तो उसके प्रयोग में जिन लोगों की मौत हुई। आप देख सकते हैं ये मौत की कोठरियां, जिनको मौत की कोठरियां बताया जा रहा है, वो सर्वेंट क्वार्टर की तरह लगते हैं। लेकिन कहानी और फलसफे बनाने वालों को क्या, उन्होंने ऐसी कहानी गढ़ी कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ये मोस्ट 500 प्लेसेस में से है। और एक अवधारणा है हमारी, और वो भारत भूमि पे मैंने देखा है कि हमारे जनमानस में इन किस्सों में जो दिलचस्पी ली जाती है, शायद ही दुनिया के किसी हिस्से में ली जाती हो, उसके चाहे जो भी पारंपरिक कारण रहे हों। इस बंगले का पिछला हिस्सा अब मौजूदा जो स्थितियां हैं वो नहीं रह गई हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर ने इसको अपना मेंटेन किया है। इसमें कुछ पुराने जो पुरानी पत्थर और पुरानी जो पत्थरों पे खुदते थे लोग, जो पत्थरों पे खुदाई करते थे यहाँ के इतिहास के और अपने नाम की चीजें, वो नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ ना तो डॉक्टर मोरिस का खौफ नजर आ रहा है, ना तो कहीं भूत नजर आ रहे हैं, और ना तो चुड़ैलें नाचते हुए नजर आ रही हैं। ये देवदार से घिरा हुआ बीच में एक सुंदर सा बंगला है, एक सुंदर सी जगह है इस पहाड़ के हिस्से पर, इस शिवालिक रेंज में। और मैं कहता हूँ कि दुनिया के हर आदमी को इस खूबसूरत जगह पे आना चाहिए। हमारे कुमायूं का ये एक बेहतरीन स्पॉट है, और पर्यटन के लिहाज से ही नहीं, प्राकृतिक अध्ययन के लिहाज से रहस्य और भूतों की कहानियां अलाहिदा और इतर हैं। अगर आप उनमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप डॉक्टर मोरिस को
भूत बनाइए या उनके जो पेशेंट हुआ करते थे उनको भूत और चुड़ैल में तब्दील करिए। ये आपका पेशा है, ये आपकी कहानियां हैं, लेकिन ये प्रकृति की खूबसूरत जगह, इस डॉक्टर मोरिस का ये खूबसूरत अस्पताल, जिसने ये एहसास, जिसने इस जगह को आबाद किया, आज से तकरीबन 100 साल पहले यहाँ के लोगों का इलाज किया, जब लोग जानते नहीं थे कि तमाम बीमारियों का इलाज कैसे होता है, एलोपैथी का प्रचार किया। और आपको ये भी बता दूं, डॉक्टर मोरिस एक बेहतरीन सर्जन था। उसने सर्जरी के दौर पे, हालांकि अगर गांव में जाया जाए और पुराने दौर के लोगों से बात की जाए तो शायद मोरिस के द्वारा इलाज किए हुए तमाम पेशेंट्स होंगे या उनकी मौजूदा औलादें जो होंगी वो बताएंगी कि मोरिस के उन कारनामों के बारे में जो बड़े खूबसूरत थे, जो समाज की सेवा में थे। इसलिए मैं आइंदा आप सबसे कहता हूँ कि उस भावना को कि वो कैसे प्रयोग करते थे, उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो बता दिया करते थे कि इस इंसान की मौत अब होने वाली है या फला तारीख में होने वाली है, और वो उसके साथ ऐसे ऐसे प्रयोग करते थे कि उसका सर खोल के डाल देते थे, उसके दिमाग का अध्ययन करते थे। हो सकता है कोई इस तरीके की स्टडी हो और शायद वो सफल हो पाती तो मेडिकल साइंस में वो एक माइलस्टोन होते। हमारे डॉक्टर मोरिस, उन पर कुछ भी ऑथेंटिक ना लिखा गया है, ना पढ़ा गया है, ना बताया गया है। जरूरत है कि इतिहास की अच्छी बात गजेटियर से लेके ब्रिटिश दस्तावेजों में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लंदन में एक इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी है, वहां का जितना बर्तानिया का ऑफिसर हमारे हिंदुस्तान में रहा है उसका रिकॉर्ड है। इसलिए मैं सारे न्यूज वालों से, सारे यूट्यूब चैनल पे जिन्होंने ये रहस्यमयी टीआरपी बटोरने का और लाइक्स बटोरने के लिए इस जगह को बदनाम किया है, मैं कहता हूं कि उस ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाएं और डॉक्टर मोरिस के बारे में खोजें कि उसने उस दौर में हमारे भारत के लोगों की, हमारे कुमायूं की लोगों की, हमारे पहाड़ों के लोगों की एलोपैथी में, मेडिकल साइंस में जो मिशन चलाया वो इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन था। इमारत इस बात की गवाह है, और ये भूतहा इमारत नहीं है, ये वो अस्पताल है जहां तमाम सारे मरीज ठीक हुए होंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपको दिलचस्पी है, चस्के हैं फलसफे सुनने में, तो फलसफे सुनिए। कहानियां आपको सुनना नहीं आता, सच्चाइयां आपको सुनना नहीं आती, आप अपनी पूरी जिंदगी और भूत और इस रहस्यमयी टाइप की चीजों को सुनना और दूसरों को सुनाना चाहते हैं। आप अपना इतिहास नहीं लिखते और आपने नहीं लिखा, इसलिए आपका इतिहास पर्सियन ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने और जर्मन से लिखा। यह दुखद बात है। आइंदा से इस डॉक्टर मोरिस के इस अस्पताल की जब भी कोई बात करिए तो ऑथेंटिक बात करिए। जय हिंद, जय भारत, जय कुमायूं। बैठ जाइए, बैठ के बोल दीजिए ना। अच्छा, मैं खड़ा हूँ। देखो बच्चे आए हैं अभी। आपका नाम क्या है दादा? खैर नाम क्या है बता दीजिए। मेरा बहादुर सिंह है। बहादुर सिंह नाम है। ये पास के गांव में रहते हैं। मेरे को यहाँ 46 साल हो गया, 46 चल रहा है, 46 साल हो गया, कुछ भी नहीं देखा हमने। ये क्यों, ये छोटे भूत होता, ये कोई चीज होता, ये ऐसे बच्चों को रखते हम जंगल में? बिल्कुल। अच्छा, ये जो बताते हैं डॉक्टर मोरिस ने वो मारता था लोगों को, कुछ नहीं हुआ। सबसे फर्स्ट में आपको बताओ, सबसे फर्स्ट में मुक्ति कोठी दे रखा होगा, मुक्ति कोठी उधर है, मुक्ति लास्ट में ऐसा ठहरा ना वहाँ, मुक्ति कोठी कैसे दाम पड़ गया। फर्स्ट में डॉक्टर मोरिस जब आया, मुक्ति कोठी हॉस्पिटल उसने किराए में लिया या कैसे लिया, फिर खरीदी ली वहाँ। देखते देखते अब यहाँ मरीज लोग बहुत ज्यादा हो गया, वहाँ कम जगह हुई तो इनने फिर ये अंग्रेज चली गई तो इनसे इनने बिक्री कर दिया उसको, डॉक्टर मोरिस को ये बिक्री तो किया। ये करीबन यहाँ 18 साल रहा डॉक्टर मोरिस, ज्यादा तो भी रहा, 18 साल जरूर रहा। किसी को भी बुजुर्ग, एक चाची है यहाँ आगे, उसको भी पूछ लीजिए। अच्छा, 18 साल से ज्यादा डॉक्टर नहीं रहा इसमें। 18 साल पहले वो मुक्ति धाम में नियुक्त हुए जब आए, वो वहाँ सब ला लेटा के 18 साल यहाँ रहा, सब मिला के 18 साल। आपका भी बता रहे थे इलाज किया उन्होंने, कौन सी बीमारी हुई? हमारा खुद ही इलाज किया, हमारे गांव का एक हमसे बड़ा भाई था वो, उसका कुछ टाइट फाइट का बोलते हैं ना, ऐसी किस्म की बीमारी होगी जैसे पागल लोग बोलते हैं वैसे बोलता था, बल्कि उसको भी, उसका भी इलाज किया। अब लास्ट पूछा तो अब उसको बोला घर पर, भाई घर ले जाओ तुम, ये तो अब पागली जैसा हो गया, दिमाग खराब हो गया। घर में ले गए, घर में ठीक हो गया, घर में ठीक हो गया और दवाई दी तो ठीक हो जाएगा। आपको भी मलेरिया हुआ था सन 1955 में? सन 1955 के आसपास के हमारा वो ये
1957 और उसी समय फिर डॉक्टर मोरिस यहाँ से गए झांसी। वो तो 59 करीबन का लगभग जब चाइना के साथ ही घबरा ला रहे हो, उस समय नागरिकता नहीं मिली ना चाइना के साथ। क्या 62 में घबला नहीं हुआ इधर हमला हुआ? हाँ उससे थोड़ा एक दो साल पहले गई, उससे पहले गए। फिर तो यहाँ हिंदुस्तान आ जा तो 47-48 में हो गया था। पर यहाँ के बहुत से लोगों का इलाज किया डॉक्टर मोरिस ने। बहुतों का, कितने बुजुर्ग होंगे इलाज किए हुए। अरे पहले तो नेपाल से लोग आते थे यहाँ इलाज के, अब नेपाली लोग अब उनका कोई वारस नहीं है यहाँ। अब नेपाल से पैदल आते थे वो यहाँ टनकपुर के रास्ते, यहाँ पंचेश्वर से कहाँ से आते थे लोग, झूलाघाट से। अच्छा जब ये हॉस्पिटल था तो बरेली में भी हॉस्पिटल नहीं था? नहीं होगा फिर तो। हाँ, नहीं होगा पर इधर के आदमी आते थे बोलते थे, अब हमने पर इस इलाके में तो नहीं होगा, सबसे पुराना हॉस्पिटल होगा। तो मुक्ति कोठरी आगे है चर्च के पास, फ्री सेवा कौन करेगा? डॉक्टर मोरिस ने किया, उसका टिकट बनाता था 3 टाइम। अच्छा, पैसा तो भी लेता था वो, पैसा नहीं लेता था, और उसकी बदनामी कर दी साल में। कितना बढ़िया आदमी सारा, वो फ्री सेवा ठहरी। आज फ्री सेवा हिंदुस्तान में कहाँ है? सरकारी अस्पतालों में भी नहीं है। आपको मालूम है सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे दवाई के लिए बोलते हैं प्राइवेट दुकान से लोग। और ये मिशन का अस्पताल चलाते थे डॉक्टर मोरिस? उस समय मिशन कहाँ, मिशन तो बाद में, मिशन बाद में है, अपने आप चलाते थे। कुछ अमेरिका मिशन भी बाद में हुआ, अमेरिका एग्लो अमेरिकन। ये जो MD स्टोन साहब आए, इनको तो हमने बाद में देखा, यहाँ 62-63 के बाद देखा, मिशन तो उसके बाद ही देखा। तो डॉक्टर मोरिस अपने आप चलाते थे हॉस्पिटल? अपने सेवा दोनों मियां बीवी थी वो चलाते थे, मैम साहब थी। यहाँ के लोग पूरी कंप्यूटर यहाँ से टिकट काटने वाले यही के थे, अबट माउंट के। सबसे पहले ये बंगला अबट माउंट का, अबट का था, अबट माने तो अबट अंग्रेज है, माउंट माने चोटी आ गई, चोटी आ गई, चोटी अबट माउंट उनके नाम से हो गया, अबट माउंट हो गया। फिर फर्स्ट में यही कोठी बनाई, फिर उसने इसीलिए अपने लड़कों के लिए 4 कोठी, एक चर्च से नीचे है, एक ऊपर है, एक उधर की तरफ, दो उधर की तरफ, 4 लड़कों के लिए 4 कोठी बनाई। और तो एक कोई गौशाले है, कोई सर्वेंट क्वार्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ। अबट साहब करते क्या थे? कोठी बन गई वो जो मीन कोठी अबट मोटर की है, उसको बना दिया कोठी। अबट साहब क्या करते थे? अबट तो कहाँ देखा हमने, उसके नाती पोते देखे, अबट कहाँ देखा, अबट कौन देखा? तो डॉक्टर मोरिस ने खरीदा या अबट साहब ने ऐसे ही दान कर दिया? आप तो पर्यावरण में है बोले, ये पेड़ कितने 100 साल की, वही मैं देख रहा था, ये पेड़ बहुत जितने पेड़ अबट तब आया है जबकि वो भी एक नीम साहब का लगाया हो, उसमें शादीशुदा आया बोलते हैं लोग। एक इसमें बोर्ड लगा था, कोई ये बर्तन नहीं वालों कौन उखाड़ के दे गया, दोनों बोर्ड लगे थे पितल के थे। तो उन्होंने एबर्ट साहब ने, उनकी वाइफ ने लगाया, मेन साहब ने दोनों पेड़ लगाए? हाँ, दोनों पेड़, दो पेड़ लगाए हैं बोलते हैं बुजुर्ग लोग। फिर उसमें बोर्ड था, वो नाम था उसमें, आज तो चर्च में भी। अच्छा अच्छा, बाद में जो मोरिस ने, ये डॉक्टर मोरिस ने कोठी ये खरीदी या ऐसे दे दी एबर्ट साहब ने? नहीं भाई, बिक्री करके गया वो 36,000 में बिक्री करके गया। 36,000 उस समय कैसा था, और देश जब गुलाम ठहरा तभी तो, नहीं तो यहाँ आज का तो लोहाघाट में भाई कितनी कितनी प्रॉपर्टी खरीद ले रहे हैं, इसको नहीं खरीद सकते थे यहाँ, कौन था वैसा, सब भिखारी तो ठहरे लोग। बिल्कुल, बड़ी सुंदर बात है, गलत कह रहा हूँ यहाँ जी। जब हम गुलाम है देश है तो यहाँ ये कोठी नहीं खरीद सकते, अंग्रेजों को दे देती, अंग्रेजों को कम से कम यहाँ हमारे गांव के, ये हमारे 80 साल के ये जंगल हमारा पूरा इधर से आया, वहाँ ये मरोड़ा काम करते, तो ये हमारे बुजुर्गों ने 3,000-2,000 में दे दी जमीन उधर की तरफ, वहाँ पाटन वालों की, ऐसा हो गया ना। चलिए, बड़ी बड़ी बड़ा अच्छा लगा जी, नमस्ते। जगह है चंपावत जिले की, हमारे मीडिया और हिंदुस्तानी मीडिया और तमाम यूट्यूब चैनल्स ने इस जगह को भुतहा दिखाया है हमारे जनमानस के बीच में, कि यहाँ का डॉक्टर मोरिस मौत का डॉक्टर था, रात में घोड़ों पर सवार होकर घूमता है, उसके जिसने जितने भी पेशेंट्स को ऑपरेट किया है वो यही जमींदोज हैं और उनके भूत भी रात में दिखते हैं। हमारा पर्यटन जो है
सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी वेबसाइट पे इसे हंटेड प्लेस के तौर पर प्रस्तुत किया है, लेकिन असलियत कुछ और है इस जगह की। और उस असलियत को बताने के लिए इस रेस्ट हाउस के सबसे पुराने 45 साल जिन्होंने यहाँ काम किया है माउंट अबट पे, और यही रेगड़ा गांव है जहाँ के रहने वाले हैं हमारे पड़ोस में, और आपका नाम है कल्याण सिंह जी, और कल्याण सिंह जी केयर टेकर हैं इस रेस्ट हाउस के जहाँ मैं रुका हूँ 2-3 दिनों से। आप बताएंगे कि इस जगह की स्थितियाँ क्या हैं, और तब आप वो सारी चीज़ें जो पोशीदा हैं जिसको मीडिया ने दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया है उन सारी चीज़ों से पर्दा हटाने की हम कोशिश करेंगे। तो कल्याण दाजी, आप पहले तो ये बताइए कि जिस रेस्ट हाउस में मैं रुका हूँ इसका इतिहास बताइए। इसका इतिहास ऐसा था, पहले ब्रिटिश के टाइम में एमसी डेविड नाम के एक कुराते थे, उनका एक कोठी बहुत सुंदर कोठी था, पूरे एबट माउंट में सबसे खूबसूरत कोठी इसको कहा जाता था, ठीक है। इसको अभी भी यहाँ के लोग कहते हैं कि डेविड का बंगला। एमसी डेविड की लड़की यहाँ आई थी तमाम दस्तावेज लेके अपना अधिकार जताने के लिए। जाहिर सी बात है कि 1947 में देश आजाद हो चुका था और उसके बाद तमाम अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, और एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत से अंग्रेज हमारे देश में तमाम तरीके के जो उपनिवेश काल रहा, फ्रांसीसियों का रहा, पुर्तगालियों का रहा, लेकिन वो जाते वक्त तमाम वो नस्लें यहाँ रह गईं, लेकिन ये लोग चाइना युद्ध से पहले यहाँ से चले गए। मैं कल्याण दास से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या उस जमाने में अंग्रेजों की इंटेलिजेंस जो थी, क्या उनको पहले से खबर था 59 में और 60 में कि चाइना से वार होने वाला है और हम जहाँ बैठे हैं ये चाइना का बॉर्डर है, क्या उनको पहले से पता चल गया था तो उन्होंने ये सारी संपत्तियां छोड़कर या बेचकर या किसी तरीके से वो यहाँ से झांसी या हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में चले गए या वो इंग्लैंड वापस चले गए? क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेजों को ये बात पहले से पता चल गई थी कि चाइना से वार होगा और ये जो इलाका है वो चाइना से जुड़ा हुआ है, और उन्हें कहीं इस बात का अंदेशा हो? इतना तो मेरे को पता नहीं है साहब, 1971 की लड़ाई के टाइम में जो है ये सारे अंग्रेज यहाँ से भाग गए, और केवल ये एमडी स्ट्रोंग जो है ये बहुत सालों से अपना 1962 की जो लड़ाई थी चाइना की उसमें भाग गए थे जी, उस टाइम भाग गए थे। तो एमडी स्टोन ने ये बंगला कब लिया? ये वाला नहीं लिया, ये नहीं, ये तो एमसी डेविड का ही, एमसी डेविड का ही, और एमडी स्टोन साहब ने लिया है 3 बंगले लिए मिशन चलाने के लिए। तो क्या मिशन आज भी चल रहा है उनका? यहाँ तो नहीं चल रहा है, बनबासा में चल रहा है। यहाँ पे अब कोई भी ईसाई मिशनरी काम नहीं करती है, वो कभी कभी आता। अच्छा, आप उस भुतहा बंगले के बारे में बताएंगे जो इस रेस्ट हाउस के एकदम सामने है और दिखता है, जिसे डॉक्टर मॉरिस का हॉस्पिटल कहा जाता है? जी, डॉक्टर मॉरिस इसमें रहा करते थे पहले, जब हमारे माता हम थोड़े बच्चे थे तो उस टाइम यहाँ पर डॉक्टर मॉरिस नाम के फेमस आदमी थे, तो उनके बारे में एक गाना भी है, एबरकंडो अस्पताल और दवा लेने में सी आधे पल तुमरा घूमा भगव दारा नहीं सी, इस टाइप के फेमस थे। उस गाने का हिंदी में अर्थ बताएंगे? हिंदी में अर्थ ऐसा मैं बताऊंगा, उसका हिंदी में अर्थ ऐसा है कि यहाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर आया है और आजकल तुम्हारे गाँव में है, फिर चले जाएगा, और वो बहुत अच्छी दवा देता है। जी, बहुत अच्छी दवा देते हैं और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा। इस गीत को जरा दोबारा सुनाएंगे आराम से। एबटमोंटो अस्पताल, यहाँ की भाषा में है ये, पहाड़ी भाषा में जी, एबटमोंटो अस्पताल दवा लेने मिसी, मिसी उसको बोलते थे जो अंग्रेज होते हैं, इंग्लिश बोलते हैं उसको मिसी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एबटमोंटो अस्पताल दवा लेने मिसी आज कल तुमरा घूमा भले जला दी सी, इस टाइप का गाना भी था उनका। और उसके बाद और जो 3-4 दिन में मरने वाला है, मरना तो है ये उसको, और वो बता भी देते थे कि भाई ये हमारे बस का नहीं, इसको ले जाओ, जिनका खाने पीने वाला था तो वो बुढ़े को ले जाते थे, और जिनका इलाज उनके बस का था उनका इलाज करके उसको यंग बना के भेजते थे, वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करते थे। और जो वास्तविक मरने वाला है उसका 3 दिन बाद मर रहा, तो आज ही उसकी कॉपी फाड़ के पुराणों की रिसर्च करते थे, भाई उसको परसों तो मरना ही मरना है, तो आज ही वो मार देते थे, पुराणों की रिसर्च करते थे, और रिसर्च करने के बाद वो जो जिसको मार रहे हैं उनका खाने पीने वाला कोई भंगोली हाट का है या फिर थोड़ा लड़का है वो आ ही गया, उनको पता भी बुढ़ा आदमी मरना तो है ही है, अब क्यों कर, इसलिए वो हमको उनको फिर उनका रिसर्च करके
काट फाड़ के उसके बाद खड्डा बना के उसको दबना देते थे, फिर उसके बाद उसका नाम मुक्ति कोठी रखा, क्यों आत्मा को मुक्ति मिल जाती थी इसलिए उसका नाम मुक्ति कोठी रखा। मुक्ति कोठी कहाँ पर है? ये प्ले ग्राउंड के नीचे है। वो जो है उसके तीन मालिक बन चुके हैं, पहले थे आपके एसएमपुरी और उससे पहले कोई राइटर रहते थे और उससे पहले एमडी स्टोन साहब का वहाँ पर कब्जा था, आना जाना बच्चों को पढ़ाना लिखाना मौज मस्ती के लिए खिचड़ी बनती थी वहाँ पर जाते थे वो मुक्ति कोठी पे। तो मुक्ति कोठी कहते हैं कि जब डॉक्टर मोरिस यहाँ आया तो पहले मुक्ति कोठी यहाँ पे अपॉइंट थे या अस्पताल बाद में बना? ना 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अस्पताल ही में वो आए, अस्पताल में ही उन्होंने अपना अस्पताल चलाया और बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कुमायूं के बहुत से इस रीजन के लोगों का इलाज किया, खासतौर से मलेरिया, उस दौर में मलेरिया टाइफाइड जैसी तमाम सारी बीमारियां फैली हुई थी। और मैं उस बंगले का मौजूदा चौकीदार है, कल उससे जो मुलाकात हुई उसने कहा कि मेरा खुद उन्होंने 1957 में मेरा इलाज किया डॉक्टर मोरिस ने और मैं ठीक हूँ। मुझे तब से बताई थी बात कि भाई हमारे पास ऐसी आदमी है जो डॉक्टर मोरिस के पास नौकरी करते थे, वो बहादुर सिंह है। तो ये डॉक्टर मोरिस को बदनाम क्यों किया गया इतना और ये क्या भूत बात है? बदनाम तो जो चैनल बनाते हैं उन्हें किया है, डॉक्टर तो डॉक्टर ही रिसर्च कर रहा हो भाई, आदमी ने मरना, अब कोई दवाई बनाते हैं तो किसी या उसकी मौत हो गई उसके बाद उसके शरीर को पोस्टमार्टम किया या देखा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सब बेकार बात है। वो बात ये है कि जैसे कोई आदमी वास्तविक मरने वाला है उसको पहले उसके प्राणों का रिसर्च जरूर करते थे, इतना तो पक्का है, इतना पक्का है। शायद डॉक्टर मोरिस का ये प्रयोग सफल होता तो मेडिकल साइंस आज से 50-60 साल 70 साल पहले मेडिकल साइंस को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलता जो शायद मानवता के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता। और आप बताएंगे कि मिस्टर एबट जो थे, जो यहाँ के जमींदार थे, जो सबसे पहले यहाँ से 100 साल पहले आके जो बसे, कहते हैं कि सारी कोठियाँ उन्हीं की है। और ये अब एक ग्राम सभा का हिस्सा है, उस ग्राम सभा का नाम बताएंगे आप कौन सी ग्राम सभा? ग्राम पंचायत का भी बता दूंगा, यहाँ एक फर्स्ट पंचायत जंगल है, रायकोट बाजी हमारा है और ये वाले बाजी हमारा है, असल में जो एवरमुंड है रायकोट ग्राम सभा में आती है, तो रायकोट ग्राम सभा के अगर हमारे रेगुलर में अगर कमी होती तो अपने में लेते, मगर रायकोट वाले पढ़े लिखे हैं तो उन्हें अपने ग्राम सभा में कर रखा है, अपने ग्राम सभा। जी जी, तो यहाँ की सारी कोठियाँ अभी भी ना तो भारत सरकार के तहत है ना अंग्रेजों की है, और ज्यादा ग्राम सभा के उनका रायकोट में अलग हो हल्ला होता है और यहाँ का एवरमुंड अलग ही से है, घूमने फिरने वाले आते हैं, जगह बहुत सुंदर है। अच्छा, यहाँ से जो आपके रेस्ट हाउस से जो ये चोटियाँ हिमालय की दिख रही हैं, कौन कौन सी चोटियाँ हैं? जी, इसमें नंदकोट है, पंचाचोली है, गुमटी है, किसूर है, ओम पर्वत है, तो बहुत सारी पर्वतों की श्रृंखला यहाँ दिखती है। आप जो मुंशियारी और कौशानी से जो चोटियाँ जितना स्पष्ट नहीं देख सकते वो यहाँ से आप देख सकते हैं, चंपावत के एबट माउंट से। और भूतों की कहानियाँ, भूतों की चीज़ें यहाँ मैंने बहुत लोगों से बात की, किसी को ना तो भूत दिखता है ना तो डॉक्टर मोरिस दिखता है, इस तरीके की अफवाहें फैला के इसे दुनिया के टॉप 100 प्लेसेस में से रखा गया है। जाहिर सी बात है कि पर्यटक रोमांचित होता है और वो आता है, लेकिन इस तरीके की कोई भी कहानी यहाँ नहीं है। और मैं कल्याण दर से ये जानना चाहूँगा कि क्या एबट के बारे में कुछ बताएंगे कि वो कैसे व्यक्ति थे, उन्होंने क्या क्या बनाया? मैंने सुना है जो ये प्ले ग्राउंड बना है तो उनकी बदौलत था कि एबट साहब का वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चे को पायलट बनाऊं, तो ये फील्ड जो बनाया है, प्ले ग्राउंड जो बनाया है, वो एबट साहब का ही बनाया हुआ है। इन्होंने हवाई जहाज उतारने के लिए बनाया था और उसके बगल में केवल बाबा का मंदिर, तो वहाँ पर वो मतलब खुदाई करने लगे तो इन इस्तुल साहब का भी गड़बड़ हुआ और उनका भी गड़बड़ हुआ, लड़का मर गया। एक आसिम साहब है उनका भी लड़का जब जमीन खरीदे यहाँ लड़का मर गया होगा, एक ही था, तो ये किस्सा पहले से है। एमडी सुन साहब का भी लड़का भी मरा और औरत भी मरी। वैसे एबट साहब जो थे वो यहाँ कुछ सपना करना चाहते थे, उनका सपना पूरा नहीं हुआ। जी, फिर वो यहाँ उनकी मृत्यु हुई और या चले गए यहाँ से? एबट साहब की मृत्यु इसी जगह पे हुई, उनकी वाइफ की कब्र तो मैंने देखी है। जी, उनकी पत्नी मेम साहब का कब्र तो उनका भी है, यही है, उनका भी एबट का भी यही है। तो उनके जो ये प्ले ग्राउंड है, उनका सपना ऐसा था कि जो ये जगह है ना, जो हट बनने सरकारी बन रहा आजकल बन रही है, लैंडिंग ग्राउंड बनाना चाहते थे हवाई जहाज का, जो बड़ा खूबसूरत सा जैसे प्ले ग्राउंड कहा जाता है।
तो सरकार इसको, जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ की सड़कें टूटी हैं, खड्डे हैं, तमाम चीजें हैं, विकास प्राकृतिक स्थलों के लिए विनाशक होता है, लेकिन फिर भी जो बहुत सी चीजें हैं जो सरकार कर सकती है, पानी की समस्या है वो समस्या है, पानी की समस्या मेन है, रोड की समस्या मेन है यहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं है, और पर्यावरण के लिए, जलवायु के लिए और खूबसूरती के लिए ये जगह बहुत बढ़िया है। इसीलिए तो अंग्रेज यहाँ हमेशा हमेशा रहे और पूरी अपने जीवन की आहुति उन्हें दी, वो फिर यहाँ के हिंदुस्तान के नागरिक ही खुद बन रहे थे, तभी तो उनको यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने या इंडिया सरकार ने उनको जगह दी, उनके पास कागजात थे, वो थे पैसा था, इसलिए उनके नाम पर यहाँ जगह है अबट के नाम पर। और वो जितने भी लोग होंगे आप कब्र लेके आए हैं, जब वो यहाँ रहे हैं पूरे जीवन पर रहे हैं तभी तो उनकी कब्र बनी है, जब बढ़िया जगह थी तभी तो उनने रहे हो, नहीं तो कैसे रहते, ये बात है खासियत। और आपने भी बहुत फूलों की और तमाम चीज़ों की आप खेती करते हैं आसपास में, तो कल्याण दास पूषा में भी एक वैज्ञानिक के साथ रहे और इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और तमाम यहाँ फ्रांसीसी, अमेरिकन, पुर्तगीज, स्पेनिश, बहुत से लोग दुनिया से आते हैं और आपको तमाम सारे बीज भेंट कर जाते हैं जिन्होंने इस कोठी के चारों तरफ उगाए हैं, तो आपको दुनिया के अगर तमाम सारे फूल देखने हैं तो आप कल्याण दास से मिलिए, इस एमडी डेविस, एमसी डेविड की इस कोठी में आइए, जो मौजूदा इसके केयर टेकर समय समय से बदलते रहे, लेकिन इसके वाकई केयर टेकर जो है वो कल्याण दास हैं, आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आप भूत भी देखना चाहते हैं डॉक्टर मोरिस का, तो शायद ही आपको वो भूत भी दिखा दें, वो आत्माएं भी दिखा दें, और आदमी जो गिरते जाता है ना भगवान का, अगर भजन करो दिख जाता है, अगर सब्जी खाए किसी ने भरपाई, अब एक झाड़ी ऐसा आपके लिए भूत बन जाएगी, छाया है चंद्रमा का, वहाँ पर घास है, वो हाथ जैसा भी दिखेगा, मुंह जैसा भी दिखेगा, उसी पर डर गया, वो आपके लिए वही भूत हो गया, पत्थर मारो जारी है वो। तो कल्याण दास से बहुत सारी चीज़ें यहाँ की सीखने को मिली हैं, वो कभी बताऊंगा आप सबको, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खूबसूरत जगह है शिवालिक रेंज में, और मैंने तो डॉक्टर मोरिस को नहीं देखा, शायद आप आए तो आप डॉक्टर मोरिस रात के 12 बजे घोड़े पर सवार होकर आपको दिखाई पड़े, और ये बांझ के जंगल, ये देवदार के चारों तरफ से जो ये घिरे हुए जंगल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बांझ की सबसे ज़्यादा बहुतायात है यहाँ पर, और जब पतली सी उस सड़क पर आप लोहा घाट से ऊपर की तरफ आएंगे तो उन रास्तों में आपको डॉक्टर, अगर आपके मन में डॉक्टर मोरिस का भूत है तो निश्चित तौर पर वो खौफ दिखाई पड़ेगा, और हो सकता है आपको डॉक्टर मोरिस दिख जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार फिर कल्याण दास हमारे साथ हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रह गई थी जिस बात का जिक्र करना जरूरी है, डॉक्टर मोरिस ने 18 साल इस जगह काम किया, लोगों की सेवा की, लोगों ने उनके गीत बनाए, कुमाऊं की हमारी महिलाएं चंपावत और पिथौरागढ़ की, डॉक्टर मोरिस के इलाजों की, उनकी मेम साहबों की दरिया दिली की, और जो भी मिशनरीज थी उनके गीत गाती हैं, उन्हीं डॉक्टर मोरिस का कभी भी पता नहीं चला कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, वो इंग्लैंड चले गए या हिंदुस्तान के किसी और इलाके में चले गए। लेकिन कल्याण दास ने जो उनके बारे में बात बताई है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात है, कि डॉक्टर मोरिस जो थे वो भारत के आज़ाद होने के बाद शायद ब्रिटिश इंटेलिजेंस में या CIA में या KGB में वो एक जासूस की तरह काम करते थे, और बाद में उनको इंडियन आर्मी ने गिरफ्तार किया और या वो भाग गए, ये इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कल्याण दास बताएंगे कि कैसे कल्याण दास क्या हुआ, कि उसके कौन सा वायर और कैसे वो बात करते थे। वो जो भोतिया हाउस इन लोगों ने इसका नाम रखा है, वहाँ पर एक देवदार का पेड़ है, उस पेड़ में, उस टाइम छोटा पेड़ था वो, उसमें तार सटा के कुछ बात कर रहे थे बाहर, यहाँ की सारी मैसेज भेज देते, यहाँ की सूचनाएं बाहर भेज देते, तो यहीं पर भी जो भी आजकल ये हट बने हैं यहाँ पर सिग्नल का कैंपर लगा था, वो भी वायरलेस करते थे, तो उनका वायरलेस कैच हुआ था, उनको पकड़ा गया और पता नहीं चला, और इनके चक्कर में घाट से भी कोई आदमी आया था, तो हमारी चता ने बताया था कि डॉक्टर मोरिस वहाँ पर है, तो उनकी भाषा से पता नहीं क्या हुआ, तो सेट से संध्या के टाइम वो तार को सटा के कहीं बाहर बात भेज देते, और उनके जांग में एक छोटा सा डेटोनेटर जिससे वो बात करना करते थे, मोबाइल और WTC पता नहीं ये वायरस वायरल तो आजकल चले हैं, उस टाइम उनके पास पता नहीं क्या तंत्र था जो वायर लगा के बाहर सूचना भेज। डॉक्टर मोरिस एक सर्जन भी थे आपको मैं बता दूं, और उन्होंने अपनी जांग फाड़ के एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा रखी थी। अब ये एक शोध का मसला है कि वो रशियन KGB के लिए काम कर रहे थे,
या वो चाइना के लिए काम कर रहे थे या वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे, हमारी भारत की आज़ाद भारत की सेनाओं ने मिलिट्री से उन्हें घेरा, वो गिरफ्तार हुए या वो कहीं भाग गए, इस बारे में कल्याण दा आप बताएं। इसके बारे में फिर हम आगे की स्टोरी हमको पता नहीं था क्या हुआ, इतना हमको जरूर हमारे चाचा ने बताया कि इस तरीके से तार लगाया था उन्होंने और फिर बात कर रहे थे, जब आर्मी ने उनको पकड़ा तो फटाफट घबरा गए। एक बेहतरीन डॉक्टर हो सकता है कि अपनी सरकारों और अपनी कौम और अपनी रानी की के प्रति निष्ठा के लिए, कि हो सकता है उन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस में आज़ाद भारत के बाद काम करना शुरू किया हो, लेकिन डॉक्टर मोरिस एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे। इस बात की कहानियाँ कुमायूं की औरतें भी सुनाती हैं, कुमायूं के लोग भी बताते हैं, देश के आज़ाद होने के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली और उन परिस्थितियों में डॉक्टर मोरिस किन हालातों में जासूस हुए, मिशनरीज ने हिंदुस्तान में काम किया, एलोपैथी का प्रचार किया, सेवाएँ की, तमाम अंग्रेज तमाम दुनिया की तमाम संस्थाएं भारत में काम करती हैं, उनमें कौन कब किस इंटेलिजेंस में और कब किस देश के खिलाफ काम कर रहा है, इस बात का अंदेशा नहीं होता है। डॉक्टर मोरिस के बारे में खुल के तो नहीं कहा जा सकता कि वो देशद्रोही थे या वो अपनी महारानी के प्रति या अपने राजा के प्रति वफादार थे, लेकिन ये एक मसला है, एक जनसेवक, एक डॉक्टर जो एक जासूस होता है, और अगर ये कड़ियों को खोला जाए, इन कड़ियों को जोड़ा जाए, तो ये ज़रूर पता चलेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में चाइना वार और फिर पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए उसमें डॉक्टर मोरिस का जो कम्युनिकेशन था दुनिया के अलहिदा अलहिदा मुल्कों से, उन मुल्कों का जो कम्युनिकेशन था और वो कम्युनिकेशन क्या था, ये बहुत से ऐसे सवाल खुल के आएंगे जो पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं। एमसी डेविड की इस कोठी से कल्याण दा के साथ कृष्ण कुमार मिश्र, जय हिंद जय कुमार। एक बात, उनका जो खोपड़ी का ऑपरेशन करना था, रिसर्च करना था, वो उनका अपना पर्सनल काम था, और जो लोगों को लुभाना डॉक्टरी दिखाना ये इनका कवर स्टोरी था, काम कुछ और करते थे, लोगों को मोहित करना, कंबल बांटना, दवाई बांटना, ट्रीटमेंट अच्छा करना, ऑपरेशन करना, अच्छी दवाई देना, अच्छा इलाज करना, वो उनका लोगों को प्रभाव देने के लिए झुकाव का था और काम कोई और करते थे। कल्याण दा की इस बात से साबित होता है कि तमाम विदेशी संस्थाएं जिस पे हमारी मौजूदा सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं, शायद इसीलिए लगाए हैं कि वो सारी दुनिया के लिए हमारे मुल्क की जासूसी करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं डॉक्टर मोरिस भी उस दौर में वायरलेस जैसी डिवाइस, क्योंकि ये दुनिया की प्राचीन तकनीक रही है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है, उस डिवाइस से वो कम्युनिकेशन करते हों और चेहरा कुछ और हो और चेहरे के पीछे कुछ और हो, ये नकाब के पीछे क्या है, ये मामला सोध का है, और मैं इंतज़ा करता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ उन वाहियात टीवी चैनल्स और यूट्यूब को बनाने वाले और उन वाहियात पर्यटकों से जो यहाँ आके सिर्फ डॉक्टर मोरिस का खौफ दिखाते हैं, उनको ये नहीं पता है कि यहाँ के लोग भारत में सेवा करने के लिए, मिशन चलाने के लिए, उसके पीछे क्या वो वास्तविक उनके अंदर वो चेहरा है जनसेवा का, या उसके पीछे हमारे मुल्क के प्रति गद्दारी और अपने मुल्क के लिए वफादारी, ये सवाल है, और ये सवाल बहुत बड़ा है, और इस सवाल पे काम होना चाहिए और इस सवाल पे लोगों को नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया कल्याण दा आपसे बात करने के लिए और आपकी मेहमान नवाजी के लिए, इस खूबसूरत जगह से, उस प्राकृतिक सौंदर्य से और इन चोटियों से जो हमारी हिमालय की पवित्र चोटियां दिखती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में फिर ऐसे लोग गद्दार ना हों, क्योंकि इस चोटियों के पीछे हमारे तमाम ऐसे दुश्मन हैं हमारे मुल्क के, ऐसा कोई जासूस ना हो, ऐसी कोई इंटेलिजेंस ना हो जिसे हमारी सेनाएँ और हमारी सरकार उनको गिरफ्तार करे, उन्हें कवर करे, इसलिए आम जनमानस को भी इतना सचेत रहना चाहिए। कल्याण दा जैसे लोगों ने इस बात को परखा, इस बात को जांचा, और कहीं ना कहीं माउंट एबट में, एबट माउंट में बहुत से सारे रहस्य छुपे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि आप भूतों के बजाय आप डॉक्टर मोरिस का भूत मत खोजिए, डॉक्टर मोरिस को खोजिए कि वो कहां गए, क्या हुआ, और तब जो वो पर्दा खुलेगा, जो पोशीदा है, जो बातें पोशीदा हैं, वो पर्दा जब खुलेगा तो सारी दुनिया अवाक रह जाएगी। शुक्रिया, जय हिंद।